us and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. Cause everybody tell me that I need. Hello friends. आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वोकैब की। आज हम वोकैब को याद करेंगे विथ फन, फन के साथ। ये इसका होगा पार्ट 9। और अगर आपने अब तक इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर इसके बाकी के पार्ट आप देख सकते हैं। बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में जिस वोकैब के बारे में बात कर रहा हूँ करूँगा आपसे, वो वोकैब है एनहांस योर वोकैबुलरी विथ फन। ये एक बुक है एक्चुअली। ये बुक दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे जितनी भी फैकल्टी हैं वो सभी इस बुक को रेफर करती हैं कि इस बुक को आप परचेज करिए और इस बुक के थ्रू आप लोग वोकैब को याद करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बुक में एक्चुअली है क्या। जो लोग न्यू एस्पिरेंट हैं या फिर न्यू स्टूडेंट हैं जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, शायद उनको ना पता हो, लेकिन हमारे जितने भी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, जो भी ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं जो नए सब्सक्राइबर्स हैं केवल उनको बताना चाहूँगा कि एक मैथड होता है जिसके द्वारा हम लोग वोकैब को काफ़ी आसानी से याद कर पाते हैं। एक वोकैब को काफ़ी लंबे समय तक कैसे याद करा जाए वो मेथड हम लोग अपनाते हैं और वोकैब को याद करते हैं। उस मेथड को बोलते हैं निमोनिक मेथड। हम किसी भी वर्ड को अपने रियल लाइफ के जितने भी एग्जांपल होते हैं, हमारे आसपास जो भी घटित होता है, जो जिसे हम देखते हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो हम उस वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उस वोकैब को फिर हम उसके माध्यम से याद करते हैं। चलिए, आपको शायद अभी कुछ आइडिया ना मिले लेकिन हम लोग वोकैब जब हम देखेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेट 9, मतलब पार्ट 9। वर्ड नंबर फर्स्ट, डीमोलिश। डीमोलिश, इसका अगर आप अर्थ देखें डायरेक्ट, तो इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है ध्वस्त करना। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ध्वस्त करना। तो इसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब याद करने की याद करने की चाबी। जैसे आप देख रहे हैं कि दो मालिश, डी मोलिश, दो मालिश, डी ई से बना है दो, मोलिश से बना है मालिश। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग दो मालिश से हम पूरे ध्वस्त करना वर्ड को कैसे याद करें, अब सवाल ये उठता है। ठीक है, यही होता है निमोनिक मेथड। अभी आप समझेंगे। देखो क्या होता है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जब उनकी दो बार मालिश करते हैं तो ठीक है, बच्चों के बोलते हैं ऐसे एक बार मालिश करनी चाहिए, ठीक है, या किसी भी बॉडी पे अगर हम मालिश करते हैं जरूरत से ज़्यादा तो क्या होता है, हमारा वो जो बॉडी का पार्ट होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ध्वस्त का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। दो बार मालिश करने से क्या होता है, एक ही जगह की अगर हम दो बार मालिश करेंगे और जम के पीछे पड़ जाएंगे उस चीज़ के, जैसे कि मानो कि हमारा कोई चोट लग गई हाथ में और हमको बोला डॉक्टर ने मालिश करना इस तेल से, ठीक है, और हम जरूरत से ज़्यादा मालिश करें तो क्या होगा, उस तरफ की स्किन पर क्या होगा, काफ़ी बॉडी हीट हो जाएगी और हीट के बाद क्या होगा, हमारी स्किन ध्वस्त हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, तो दो मालिश से आप लोग इस तरह से वर्ड को याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बुक में इसने क्या एग्जांपल दिया है। दो बार मालिश करवाने के बाद उसने सब कुछ क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। या फिर हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एक पहलवान था, उसने अपनी पूरी बॉडी में दो बार मालिश कराई, उसके अंदर जान आ गई और उसके बाद क्या करा, उसने पूरी बिल्डिंग को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, आप लोग इस तरह से वर्ड को याद करेंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं निमोनिक मेथड। देखिए, एक वर्ड को हमने लिया और उसको दो भागों में डिवाइड करा और इस माध्यम से दो मालिश, हमारी कीवर्ड एक्चुअली थी क्या, हमारा जो कीवर्ड था एक्चुअली वो यही तो था, दो मालिश, यही तो हमारा कीवर्ड था। हमने इसी के माध्यम से पूरा वर्ड याद कर लिया और विद हिंदी मीनिंग, कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या था। तो इसका अगर बात करी जाए सिनोनिम्स क्या रहेगा, इसका सिनोनिम्स होगा क्रश एंड डेसीमेट, एंड टर्मिनस का होगा बिल्ड एंड क्रिएट। ठीक है बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए आप इस मेथड को अपना लीजिए। ठीक है, अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो मार्केट में शायद ही मुश्किल से मिलेगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप जब पैरामाउंट कोचिंग सेंटर के बाहर जितनी भी दुकानें हैं, बत्रा सिनेमा के पास जितनी भी दुकानें हैं, जिसको बोलते हैं मुखर्जी नगर,
तो वहाँ ये बुक आराम से आपको बड़ी आसानी से हर बुक स्टोर में मिल जाएगी। आप कहीं भी जाइए, वहाँ बोलिए कि मुझे ये बुक चाहिए, आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, ठीक है, वो बुक कहाँ से परचेज करें। ठीक है, अगर बुक परचेज नहीं करनी, मन बना लिया कि परचेज नहीं करनी यार ये बुक बिल्कुल नहीं करूँगा, और पैसों की भी दिक्कत हो सकती है या फिर अदर कोई रीज़न हो सकता है, तो अगर बुक परचेस नहीं करनी है तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप स्टडी कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक आपको दूंगा, अमेजोन के थ्रू आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे बेस्ट लग रहे हैं वैसे करिए। आपके पास चारों ऑप्शन है, फिजिकल लेके आइए दिल्ली में, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में मुख्य नगर जाइए, वहाँ से लेके आ जाइए। ऑफलाइन परचेस करनी है तो ऑफलाइन इन द सेंस कि आप ये सिंपल वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास एक्चुअली कंप्लीट पीडीएफ नहीं है, मेरे पास केवल चार चार पाँच पाँच पेज के पीडीएफ होते हैं। अगर सब लोग इस पीडीएफ को मांगने लगे, चार चार पाँच पाँच पेजों के फाइल में कितने कितने को पीडीएफ मेल करूँगा, तो शायद मुझे पार्ट टाइम लगता है कि मेरी एक जॉब बच जाएगी अली सेंड करने की। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए इसका इंटरनल इंटोनिमस होगा इसका बिल्ट एंड क्रिएट। अब चलते हैं वर्ड नंबर टू की ओर। ठीक है, ऐसे देखिए निमोनिक मेथड से टाइम तो लगेगा, कोई इसमें दो राय नहीं कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको काफी अच्छे से ये वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए याद हो जाएगा। वर्ड नंबर टू है आपका रेप्रीमेंड, आपका मतलब ये वर्ड अब आपका है। ठीक है ना, अब ये मेरा वर्ड नहीं है, ये आपका वर्ड है, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको ये मैं सौंप रहा हूँ, इसको संभाल के रखिए अपने पास में। ठीक है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना या फटकारना। अब रेप्री से हम कैसे याद करें इस वर्ड को, भाई समझ नहीं आ रहा, इसका कीवर्ड बनाओ। देखो आर ई से बना है री, री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है ना, प्री, पी आर आई क्या हो गया, प्री, प्री का मतलब होता है पहले, मैंड का मतलब डिमांड। ठीक है ना, मैंड से याद करना है हमको डिमांड। ठीक है, उसने दोबारा पहले ही डिमांड कर दी थी इसलिए उसे क्या पड़ा, डांटना पड़ा। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है पहले से ही छुट्टी की डिमांड कर बैठे, ठीक है ना, और पता है कि जैसे कि आप बॉस आपको जरूरी काम है, ठीक है, उसने अपनी छुट्टी की डिमांड पहले ही आपको दे दे दी उसी डेट पे जिस डेट में आप छुट्टी पे जा रहे हो, और ऑफिस का काम सबसे ज्यादा उसी डेट में होने वाला है, तो काम कौन संभालेगा। ऐसे अगर सारी 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 लेबर प्री डिमांड अपनी रखने लग जाएगी तो क्या होगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो बॉस क्या करेगा, डांटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है कि उसने दोबारा पहले ही डिमांड कर दी इसलिए उसे डांटना पड़ा। सिनोनिमस क्या है इसका, एडमोनिशन। ठीक है ना, और सेंसोर, एंटोनिमस कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज। वर्ड नंबर थ्री है ब्लंट। ठीक है, ब्लंट, BLUNT, बहुत प्यारा वर्ड है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिएगा ये क्या वर्ड है, समझ नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ठीक है, तो ये वो वर्ड है जो लास्ट 10 ईयर में कम से कम 15 से 20 बार SSC के एग्जाम में पूछे गए हैं, बैंकिंग के एग्जाम में पूछे गए हैं, 10 से 20 बार एक वर्ड ये ब्लंट कम से कम जो वर्ड है 15 से 20 बार आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, इसकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा है, इसलिए मैं इस बुक पे काफी टाइम से फोकस कर रहा हूँ कि ठीक है आपको टाइम पे ये फिनिश कराऊँ। जो रेगुलर हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, एक्टिव व्यूवर्स हैं, एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके पास एक बैकबोन बन गया होगा। आई होप कि उनको सारे वर्ड याद हो गए होंगे, और अगर वो मॉक टेस्ट देते होंगे तो उनके नंबर काफी अच्छे आते होंगे इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूँ अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो को अगर 4 से 5 बार एक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपके नंबर आना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। ठीक है, और बाकी जो सेक्शन वीक है उस पर काम करिए, इंग्लिश के वॉकअप तो आपकी स्ट्रांग हो गई होगी। बाकी जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोलना चाहूंगा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ढंग से वॉच करें। अब देखिए ये ब्लंट वर्ड है, इसका मतलब होता है आपका भोतरा या फिर कुंद। देखते हैं कीवर्ड क्या है, हमें कुंद का मतलब शायद हमको नहीं पता, भोतरा का मतलब भी हमको कुछ तो समझ नहीं आ रहा, हिंदी में क्या टिपिकल हिंदी दे दे रखी है इसने। चलिए देखते हैं इसका कीवर्ड क्या है, इसका ब्लू आंटी, AUNT। ठीक है ना, आंट, ब्लू आंट, ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, आंट का मतलब आंटी। ब्लू कलर की साड़ी जो आंटी पहने हुए हैं वह दिमाग से क्या है, थोड़ा कुंद है। कुंद का मतलब बोलते हैं साइको, सन की, अब चला पता आपको। ठीक है, और सिनोनिम्स क्या है इसका, डल एंड ऑब्स्ट्यूज, एंटोनिम्स पोलाइट एंड शार्प। वर्ड नंबर फोर है लोकासियस। लोकासियस वर्ड भी काफी अच्छा वर्ड है, SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सभी वर्ड SSC एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, सब पे फोकस करना है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 2017 के जो भी एग्जाम होने वाला SSC का, वहां पे इसकी प्रायोरिटी बहुत अधिक बन जाती है। लोकासियस, लोकासियस जो वर्ड है इसका हम कीवर्ड याद करेंगे, लव कुश। ठीक है ना, लोक, लव, कुश, KUOUCH, कुश। ठीक है ना, लोकुशियस। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड बना है वो बना लव कुश। लव कुश बातूनी क्या है, लड़के हैं,
बहुत बात करते हैं, ठीक है। लव और कुश, वैसे लव और कुश कौन थे आपको पता है? ये थे श्री राम के पुत्र, लव कुश। देखिए लव कुश क्या है, बातूनी बच्चे हैं। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, चैटी एंड गैरुलस, एंटोनिम्स क्वाइट एंड साइलेंट। वर्ड नंबर 5 है हमारा विंडिक्टिव, हमारा आपका, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का जो अर्थ होता है वो होता है बदला लेने वाला, मतलब जो प्रतिशोध की भावना रखता हो, बदले की भावना रखता हो, तो उसको बोलते हैं विंडिक्टिव। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड था, आपने उसको कोई चीज़ नहीं दिखाई, वो आपके पास बुक मांगने आया, ठीक है। अब उसका जो नेचर है आपके फ्रेंड का, वो नेचर है क्या, विंडिक्टिव नेचर का। वो आपसे क्या करेगा, इस बात का बदला लेगा, नेक्स्ट टाइम आप कुछ मांग के दिखाओ, फिर देखो चल जाएगा। आपको पता है कि विंडिक्टिव का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कीवर्ड याद होगा इसका, विंड एक्टिव, VIND, विंड से बना है, विंड और एक्टिव, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडक्टिव, विंडिक्टिव, विंडक्टिव। और इसका जो एग्जाम्पल होगा आपका, विंड एक्टिव होते ही बदला लेने वाला आएगा, ठीक है। विंड जो है एक्टिव होते ही, विंड एक व्यक्ति का नाम सुन लीजिए आप लोग, विंड क्या करेगा, जैसे ही सोकर उठेगा, एक्टिव हो जाएगा, वो क्या करेगा, आपसे बदला लेने जरूर आएगा। जैसे एक मूवी थी ना आपकी, कोई मूवी थी शायद सलमान खान और शाहरुख खान की, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है, वैसे ही वाला हिसाब बन रहा है इसमें, ठीक है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब करण अर्जुन आएंगे और आपसे क्या करेंगे, बदला लेंगे। वर्ड नंबर 6 है आपका ट्राइवियल, ट्राइवियल का अर्थ होता है आपका कम या मामूली। कीवर्ड इसका ट्रेवल, एग्जाम्पल ट्रेवल वह बहुत मामूली करता है। सिनोनिम्स इसका होगा माइनर एंड पिटी, एंटोनिम्स मेजर एंड मीनिंगफुल। चलते हैं वर्ड नंबर 8 की ओर। वर्ड नंबर 8 हमसे कहता है कि इनफर्मिटी, इनफर्मिटी का अर्थ होता है कमजोरी, ठीक है, कमजोरी। देखिए कीवर्ड है इसका फर्मिटी, FIRM, फर्म मिटी, मेटी, ठीक है ना, मिटी से बना है मेटी। अब क्या करते हैं, इनको फर्म में टी पीने के बाद कमजोरी महसूस हो रही है। इन्होंने जब से फर्म में टी पी है तब से क्या हो रहा है, इनको कमजोरी फील हो रही है। फर्म में क्या पता धुआंधार बहुत ज्यादा हो, चिमनी से बहुत धुआं निकलता है, इनके सांसों में चढ़ गया। इन्होंने जैसे ही चाय का सिप लिया और साथ में वो काला धुआं भी इनके बॉडी में चला गया। तो इनफर्मिटी का अर्थ हो क्या, इन्होंने फर्म में जब से टी पी तब से ये क्या हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। कुछ भी खाते हैं लगता नहीं है, तो क्या करेंगे, डॉक्टर को दिखाओ भाई। चलिए सिनोनिम्स क्या होगा इसका, वीकनेस एंड सिकनेस, एंटोनिम्स एबिलिटी एंड हेल्थ। वर्ड नंबर 9 है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है नम्रता, मतलब काफी पोलाइटनेस जो इंसान होते हैं उसको बोलते हैं नम्रता। नम्रता मतलब जो इंसान काफी थोड़ा सा शाइनेस नेचर का हो, काफी तरीके से मतलब बात करता हो। इसका कीवर्ड है हम मिलिट्री, हम मिलिट्री में जाने के बाद क्या हो गए, नम्रता सीख गए हैं, प्यार से बोलना सीख गए हैं। सिनोनिमस क्या होगा इसका, साइनेस एंड लॉसिलिटी, एंटोनिमस बोल्डनेस एंड कॉन्फिडेंस। वर्ड नंबर 10 सरकम स्क्राइब, सरकम स्क्राइब का जो अर्थ होता है वो होता है सीमित करना। सिनोनिम इसका होगा लिमिट एंड अनसर्कल, एंटोनिमस अलाउ एंड असिस्ट। अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं इसको याद कैसे करें, ठीक है। सरकम स्क्राइब, तो इसका कीवर्ड है सरकम, ठीक है ना, सरकम से बना है सरकम। डिस्क्राइब का मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक है। सर ने कम डिस्क्राइब करके इसे क्या कर दिया, सीमित कर दिया। कोई एक चैप्टर था, क्या करा, उसको डिस्क्राइब कम करा। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोई चैप्टर था, उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करा, कम डिस्क्राइब करा और पूरे चैप्टर को छोटे से पोर्शन में सीमित कर दिया, कुछ चंद पन्नों में या चंद लाइनों में उस पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, सरकमस्क्राइब कर दिया। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, लिमिट एंड एनसर्कल, एंटोनिम्स अलाउ एंड असिस्ट। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 11 की ओर। फिक्शनल, फिक्शनल का अर्थ होता है काल्पनिक। कीवर्ड है इसका फिक्स नेशनल, और इसका एग्जाम्पल होगा नेशनल मैच वह फिक्स कर लेगा, यह एक काल्पनिक सोच है, ठीक है ना। फिक्शनल का अर्थ क्या होता है, फिक्स नेशनल, FIC से बना है फिक्स नेशनल। और इसका सिनोनिम्स होगा इमेजिनरी एंड फैंसीफुल, एंटोनिमस रियल एंड ट्रू। वर्ड नंबर 12 इम्पुडेंट, इम्पुडेंट का अर्थ होता है निर्लज, और सिनोनिम्स इसका होगा बोल्ड एंड शेमलेस, एंटोनिमस हम्बल एंड पोलाइट, ठीक है। अब इम्पुडेंस को हम याद कैसे करें, इसको याद करेंगे, इम्प से बना है इम्प्रूव और डेंट से बना है डेंट, डेंट का मतलब दांत। उसे इम्प्रूव करना है अपने दांत, क्योंकि वह क्या हो गया,
निर्लज होना चाहता है। तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा इस बुक का, लेकिन फिर भी आप इसको डायरी याद कर सकते हैं। पॉम्पस, पॉम्पस का अर्थ क्या होता है? आडंबर पूर्ण, ठीक है। कोई भी अपनी खुशियों को जरूरत से ज्यादा बखान करता है, ठीक है। जैसे कि मानो कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, अच्छी जॉब लग गई आपकी, आपके सीजन में सिलेक्शन हो गया। अब क्या करा आपने, पार्टी दी, पूरे एक बड़े आलिशान 5 स्टार होटल में आपने पार्टी दे दी, तो वो सब क्या होगा? पॉम्पस होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, देखिए, बुरे वक्त पे घबराना नहीं और अच्छे वक्त पे पगलाना नहीं। काफी बच्चे कहते हैं एक बार यार जॉब लगने फिर देख, इतनी बड़ी पार्टी करूंगा ना, ये करूंगा वो करूंगा, यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, उसको पार्टी दूंगा इसको पार्टी दूंगा, इतना पैसा खर्च करूंगा, बगल वगैरह बहुत कुछ सपने गढ़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब जॉब लगती है ऐसा बहुत कम ही करते हैं, बाकी कहने की बातें होती है। क्या पता आप भी ऐसा सोचते हो कि जॉब लग जाएगी तो मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। ठीक है, इंजॉय करना जरूरी होता है, लेकिन हर चीज़ जरूरत से ज़्यादा हमेशा हानिकारक होती है। अगर आप खाना भी खा रहे हैं जरूरत से ज़्यादा खाएंगे। अगर आपको बादाम खाने हैं, बादाम सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं कहते हैं, वो होते भी हैं, लेकिन अगर आप बॉडी में जरूरत से ज़्यादा बादाम खा रहे हैं तो क्या होगा? बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी, और गर्मी से जब पैदा होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा? सबसे पहले पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है पॉम्पस, पॉम्पस का होता है आडंबरपूर्ण। तो अब देखिए कीवर्ड है इसका पंपास। आपको पता है कि पंपास के मैदान क्या होते हैं? आडंबर पूर्ण बने हुए हैं। जो पंपास के मैदान है बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और काफी लंबी चौड़ी उसमें घासें होती हैं, तो ऐसा लगता है कितना बड़ा आडंबर उसमें खड़ा हो गया हो, ठीक है। तो पंपास लाइफ मतलब आडंबर पूर्ण लाइफ। मैक्सिमम लोगों की लाइफ क्या हो गई है? पंपास लाइफ हो चुकी है, आडंबर पूर्ण लाइफ हो चुकी है। कैसे? अब लगाइए कि किसी की सैलरी अगर 20,000 रुपये पर मंथ है, वो भी आज के टाइम पे क्या कर रहा है? अपनी गाड़ी EMI पे निकलवा करके बैंक से लोन लेकर के गाड़ी ले रहा है 20,000 सैलरी पर, ठीक है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब लेकिन इतनी कम सैलरी पे अगर वो इंसान गाड़ी लेकर के अपना टेंशन मान रहा है, और उसे निकाली अपने ऑडी या निकाली बुलेरो, तो 20,000 सैलरी में बुलेरो निकालेंगे क्या? निकालेंगे बताओ? मेरे हिसाब से कुछ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि 20,000 सैलरी में आप जहाँ भी रहते हैं किसी भी स्टेट में रहते हैं कम से कम इतना बेसिक खर्चा हो जाता है। अगर इन केस आप मैरिड लाइफ अगर आपकी है, फैमिली है, एक बच्चा और एक वाइफ है, तो 20,000 कुछ भी नहीं है। तो ये अगर आप उसके बाद भी आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इतना खर्चा सोचे, तो ये क्या हो गया? पॉम्पस लाइफ कहलाएगी, ठीक है। आई थिंक इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आपको लाइफ के बारे में पता चल गया होगा कि पॉम्पस का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स होगा इसका एरोगेंट और इगोटिस्टिक, एंटोनिम्स हम्बल एंड मॉडेस्ट। वर्ड नंबर 14 कल्टीवेट। कल्टीवेट का अर्थ होता है आपको पैदा करना या किसी को सुधारना, ठीक है। और कीवर्ड है इसका कल तक वेट, ठीक है। सर कल तक वेट कर लो, मैं इसको सुधार दूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, पक्का ठीक कर दूंगा, कहते हैं ना कल तक वेट कर लो, कल तक वेट कर लो, पक्का क्या करूंगा, मैं इसको ठीक कर दूंगा। कल तक वेट, कल्टीवेट, कल तक वेट, कल्टीवेट, ऐसे बोलिए आप 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? ब्रीड एंड फर्टिलाइज। और इसका एंटोनिम्स होगा डिस्ट्रॉय एंड इग्नोर। वर्ड नंबर 15 सरफीट। सरफीट का जो अर्थ होता है वो होता है अधिकता, ठीक है। की वर्ड है इसका सरफट। सरफीट से बना है सरफट, सरफट रहा है, क्योंकि क्या हो रही है? टेंशन क्या हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। हे माय गॉड, मेरा सर तो बहुत फटे जा रहा है, टेंशन बहुत ज्यादा हो रही है, कहते हैं ना ऐसे। तो सर फिट मतलब सर कब फटता है? सर तब फटता है जब क्या होती है? टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है, कहते हैं ना, अरे टेंशन मत ले इतनी, सर फट जाएगा तेरा, ठीक है, टेंशन मत ले इतनी, ये हो जाएगा तेरा। तो सर फिट का मतलब होता है अधिकता। वर्ड नंबर 16 से पहले मैं चलो, इसका सिनोनिम्स इसका होगा ग्लूट एंड एक्सेस, एंटोनिम्स लेक एंड नीड। वर्ड नंबर 16 है आपका ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का अर्थ होता है सजावट करना, ठीक है। कीवर्ड है इसका टाइमिंग, TRIMMING, इसका अर्थ है टाइमिंग। सही टाइमिंग पर हमें सजावट करनी है। टाइमिंग का अर्थ है टाइमिंग, टाइमिंग का मतलब टाइमिंग, टाइमिंग का अर्थ टाइमिंग, ठीक है। टाइमिंग 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 टाइमिंग, ऐसे बोलिए 2-3 बार, आपको ये पूरा वर्ड याद हो जाएगा। सही टाइमिंग पर हमको क्या करनी है? सजावट करनी है। क्यों भाई? भाई सजावट टाइम पे करोगे तो बारात आएगी। अब बारात पहले आ जाए और अब लगे पड़े हैं सजावट करने के लिए, तो क्या होगा? इंप्रेशन गंदा पड़ेगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? डेकोरेशंस एंड फ्रिल। एंटोनिम्स का प्लेनेस एंड सिंपल। वर्ड नंबर 17 स्टेल। स्टेल का अर्थ होता है पुराना और बासी। कीवर्ड है इसका स्टॉल। एग्जाम्पल, स्टॉल में पुराना खाना लगा है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मस्टी एंड सोर। एंटोनिमस डैम्प एंड वेट। वर्ड नंबर 18 वैकेट। वैकेट का अर्थ होता है मुक्त करना या खाली करना।
कीवर्ड इसका है वे कैट, कीवर्ड क्या है इसका, वे कैट, वी ए वे कैट, CAT कैट, वे कैट। वे अपनी कैट के साथ क्या है, घर खाली कर रहे हैं। एक एक उनके घर में एक बिल्ली आई नॉर्मल, उन्होंने उसको पालना थोड़ा सा शुरू कर दिया, 3 4 दिन उसको दूध पिलाया, उससे क्या हो गया, उस जो मकान मालिक था उसको उससे प्रेम हो गया। अच्छी लगती है बिल्ली जब मियाँ मियाँ करती है, ठीक है। तो उसको क्या कह रहा, जब उन्होंने मकान खाली करा तो उसको क्या कह रहा, वो लोग अपने साथ ले गए, तो वे अपनी कैट के साथ घर खाली कर रहे हैं, ठीक है। वे कैट का मतलब होता है खाली करना, और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका लीव एंड एम्प्टी, एंटोनिम्स अलाउ एंड अप्रूव। वर्ड नंबर 19, सॉर्सरी, सॉर्सरी का मतलब होता है जादू टोना, ठीक है ना। और इसका कीवर्ड होगा सो सॉरी, सो सॉरी। सिनोनिम्स इसका होगा विथ क्राफ्ट स्पेल, एंटोनिमस रियलिटी। वर्ड नंबर 20, पायोस, पायोस का अर्थ होता है पवित्र। सिनोनिम्स इसका होगा डेडिकेटेड, रिलीजियस, एंटोनिमस बैड एंड एथिस्ट। अब देखिए पायस से आप याद करिए, पायस, पायस का पत्थर क्या होता है, बहुत पवित्र होता है। पायस एक पत्थर होता है, ये पत्थर का नाम भी है, और वो पत्थर क्या होता है, काफी पवित्र होता है, उसके लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो सिनोनिम्स इसका होगा डेडिकेटेड एंड रिलीजियस, एंटोनिमस बैड एंड एथिस्ट। वर्ड नंबर 21, डिफर, डिफर का अर्थ होता है मतभेद होना। एग्जाम्पल, जो डफर होते हैं उनसे मतभेद होना स्वाभाविक है, ठीक है। डिफर मतलब डफर, जो इंसान क्या होते हैं डफर होते हैं, उनसे क्या होता है कि आपका झगड़ा हो सकता है, अपना डफर कहीं का, हम जहाँ से ऐसे बोलते हैं ना, तो डफर व्यक्ति हमेशा नॉनसेंस बातें करेंगे, और उनसे क्या होगा, अगर वो नॉनसेंस बातें करेंगे तो क्या होगा, आपका उनसे झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज के इस वीडियो में हमने जो भी वर्ड देखे वो हम सामने अब देख रहे हैं, ठीक है। हमने इन सभी वर्डों के बारे में जिक्र करा, उसके बारे में हमने कीवर्ड याद करा और कीवर्ड बनाया। तो अब आप देखिए कि आपने इस वीडियो को कितना ईमानदारी से देखा था। आप इसमें इस वीडियो को अभी तुरंत पॉज करिए और इन सबके हिंदी मीनिंग लिख के देखिए। अगर आप सबके ही आपने सही हिंदी मीनिंग निकाले, इन सबके सही अर्थ अगर आप समझ चुके हैं, तो इस वीडियो को दोबारा वॉच मत करना, तुरंत इसे क्लोज करना, ठीक है। क्योंकि आपकी इंग्लिश काफी स्ट्रांग है तो आपको प्लेलिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मात्र आते हैं इसमें से 5 से 6 मीनिंग हिंदी के, तो आप इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार वॉच करिए, या फिर एक बार नोटबुक में नोट करिए, और उसके बाद दूसरी बार वीडियो को वॉच करिए, दोबारा वॉच करिए, कम से कम 2 बार वॉच करिए। दूसरी बार अपने नोट्स को वीडियो के साथ टैली करना, और जो भी कीवर्ड आप बनाएंगे उसको बहुत थोड़ा बोल करके, मतलब बहुत तेज वॉइस में थोड़ा सा रख करके उसको बोलने का प्रयास करना, कीवर्ड को आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बट इतना तेज मत बोलना कि घर में कोई अगर दूसरे रूम में सो रहा हो तो उसकी नींद खराब हो जाए, ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलता हूँ आपसे, अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साइड में उसके बगल में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है, जैसे कि डेली मैं इस चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आपको इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, इफ यदि आप क्लिक करते हैं बेल आइकन पर। और इस वीडियो को आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर भी करिए, अपना भला करिए, दूसरों का भी भला करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। वेलकम फ्रेंड, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजेश्वरी पब्लिकेशंस की, ये इसका होगा पार्ट 10। यदि आपने इससे पहले के पार्ट, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप राजेश्वरी पब्लिकेशंस की प्लेलिस्ट में जा करके वो सभी पार्ट देख सकते हैं। हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं वोकैब की, और वोकैब को याद कर रहे हैं निमोनिक मेथड के द्वारा। ये मेथड क्या होता है वो मैं अपने सभी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा, वो मेथड है निमोनिक मेथड। आई होप आपको इसका आइडिया होगा कि ये मेथड क्या होता है। अगर आपको इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं है कि निमोनिक मेथड होता क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, निमोनिक मेथड कुछ नहीं होता, वो बहुत कुछ होता है। इसमें हम लोग एक एक वर्ड को रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, और इस तरह से क्या होता है, वो वर्ड का मीनिंग हमको याद करना काफी ही
इजी पड़ जाता है, ठीक है, और काफ़ी आसानी से हम लोग उसके मीनिंग को याद कर पाते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। वरना हम लोग वोकैब याद करते हैं, 10 वोकैब पर डे की हम लोग याद करते हैं, अगले दिन उसमें से 8 गायब, 8 हमको याद नहीं रहती, फिर दोबारा हम उसी 10 में लग जाते हैं, जद्दोजहद में लगे रहते हैं, हमको महीने में 100 वोकैब भी ढंग से याद नहीं होती। तो इसलिए तो ये मैथड, न्यूमरिक मैथड काफ़ी हेल्पफुल है, आपकी काफ़ी सहायता करेगा, क्योंकि दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट में वोकैब को केवल इसी माध्यम से अब याद करवाया जा रहा है। और फॉरेन कंट्री की बात करी जाए और फॉरेन में इस चीज़ को काफ़ी सालों से अपनाया जा चुका है, न्यूमरिक मेथड अभी इंडिया में तो केवल 4-5 सालों से ही विख्यात है, फेमस है, क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को अपना रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बच्चों का जो जो याद करने की जो लर्निंग पावर होती है वोकैब को, वो बहुत स्पीड से स्किप हो जाती है, बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आखिरकार कैसे याद करी जाए, तो ये एक मैथड है, न्यूमरिक मैथड। देखिए ये एक बुक है, इस बुक को मैं कम्प्लीट करवा रहा हूँ, ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 में हमने कम से कम 15 से 20 वीडियो बना करके चैनल पे अपलोड करे हैं। अब आप देखेंगे राजेश्वरी पब्लिकेशंस की जो प्लेलिस्ट है वो है 2, तो उसमें आपको मिलेंगे वॉल्यूम 2 के सभी वीडियो। आप इस बुक को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आसानी से आपको ये बुक मिल जाएगी, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तब भी आपको बुक परचेज करनी है तो आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर बुक परचेज नहीं करनी है तो केवल केवल वीडियो वॉच करके भी आप सभी वर्डों को याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, इसमें सेट 10 मतलब वीडियो नंबर 10। देखिए पहला जो वर्ड है वो है आपका रिप्रेशन। रिप्रेशन का अर्थ होता है दबाव या नियंत्रण। देखिए अब इस वर्ड को हम याद कैसे करें, ठीक है, देखिए ये जो है रिप्रेशन का अर्थ आर ई से बना है, री री का अर्थ होता है दोबारा, और बात करें प्रेशन मतलब डिप्रेशन, रिप्रेशन री डिप्रेशंस, रिप्रेशंस री डिप्रेशंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वर्डों को कनेक्ट करिए, ठीक है। दोबारा डिप्रेशन से क्या होगा देखते हैं, पढ़ते हैं एग्जांपल इसका। वह दोबारा डिप्रेशन में आ गए हैं, मतलब कि वो क्या है, दबाव में आ गए हैं। बोलते ना जिसका मस्तिष्क थोड़ा सा कमजोर होता है, जो जल्दी ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि इसके माइंड में ज्यादा दबाव मत लाना, वरना ये क्या करेगा, ये डिप्रेशन में आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वह दोबारा डिप्रेशन में आ गए, मतलब क्या, वो दबाव में आ गए, उनसे वो चीज नहीं झिली। जैसे कहते हैं कि परिवार में हमेशा खुशी बनाए रखो, इनके सामने चीखना चिल्लाना नहीं, वरना ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। क्या होगा जब डिप्रेशन का दबाव आएगा तो क्या होगा, इंसान बहुत जल्दी पागल हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कूल एंड काम, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा इसका कॉन्स्टेंट सप्रेशन, एंटोनिम्स होगा फ्रीडम एंड लिबर्टी। वर्ड नंबर 2 हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे कोई इंसान निवास करता है। की वर्ड है इसका हैबिट, की का मतलब है इसको याद करने की चाबी, ट्रिक, ठीक है। हैबिट, हैबिट का अर्थ क्या होगा, देखिए एग्जांपल, उसकी हैबिट अपने निवास स्थान में रहने की है। देखिए जो हैबिटेशन होता है निवास स्थान जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, आपकी हैबिट क्या है, नाइट में, नाइट में आपकी हैबिट यही होती है कि काश यार मुझको मेरा घर ही मिलना चाहिए सोने के लिए, मुझे किसी और जगह नींद नहीं आती, ठीक है, किसी दूसरे के बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मेरा जो बिस्तर लगा होता है वो पूर्व से पश्चिम होता है, वहाँ पे मुझे उत्तर से दक्षिण मिलता है, डायरेक्शन बिल्कुल क्या होती है, एक रेक्टेंगल में बन जाती है, या कुछ भी रीजन हो सकते हैं, मुझे नींद नहीं आती दूसरी जगह पर, भैया गाँव पर घर। जैसे कि गाँव के लोग होते हैं, अगर कोई पहाड़ में कोई रहने वाला है, अगर उसको आप किसी प्लेन जगह पर ले आओ, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, ये स्टेट में क्या है, काफ़ी हॉश पॉच है बहुत ज़्यादा। तो कोई हिल स्टेशन वाला पर्सन यहाँ पे दिल्ली जैसी जगह पे आता है तो वो यहाँ पे एक रात नहीं रह सकता। हैबिटेशन का मतलब क्या हो गया, निवास स्थान, उसको क्या चाहिए, उसकी हैबिट है, हैबिट क्या है, उसको अपने निवास स्थान पर ही नींद आती है, उसको अपने निवास स्थान पर ही क्या आता है, चैन मिलता है, ठीक है। वो यहाँ पे आएगा दिल्ली में, अगर 100-100 गज के मकान में रहने, अगर वो रहेगा दिल्ली के 100 गज के मकानों में, और वो रहता है खुले अपने घर में, ठीक है ना, उसका घर बहुत बड़ा है, यहाँ पे क्या होता है आंगन बहुत बड़ा होता है, बाहर लाके 6 लाख वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, चाय पीता है, तो उस इंसान को अगर दिल्ली ले आओगे और इतने आसपास कंजेस्टेड घरों में उसको रहने के लिए बोलोगे तो वो आपको डांटेगा, ठीक है ना। वो क्या है, हैबिटेशंस, इसका अर्थ क्या है, वो निवास स्थान से अपने प्यार करता है। और उसका सिनोनिम्स क्या होगा, एबोर्ड एंड रेजिडेंस, एंटोनिम्स ऑफिस एंड बिजनेस।
देखिए, मैं इस वर्ड को एक एक वर्ड को इस तरह से बहुत लेंथी करके आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में इस तरह से बताने से प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, उस आदमी का एग्जाम्पल लेना कि ठीक है जो दिल्ली आ गया रह करके, वो नहीं रह पा रहा है, उसका हैबिट अपने घर में सोने की वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो मैं कहावतें जो गढ़ रहा हूँ आपके सामने, इसका रीजन यही है कि आपको ये वर्ड याद हो जाए। हैबिटेशन का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। सॉरी, वर्ड नंबर 3 है डाउन ट्रोडन, इसका मतलब होता है सताए हुए, दबे हुए। तो इसका की वर्ड होगा याद करने का, जो याद करने की जो चाबी है वो है डॉन्ट रोड। डॉन्ट रोड मतलब रोड में सताए हुए लोगों को डॉन्ट बीट, जो रोड पे सताए हुए लोग हैं उनको प्लीज मत मारो। ठीक है, डॉन्ट रोड। तो जो रोड पे होते हैं वो क्या नहीं करने चाहिए, जो बेचारे गरीब होते हैं साइड में जो होते हैं अपना छोटा सा एक आसरा बना कर, झोपड़ी बना के रहते हैं, तो क्या करते हैं उसको डॉन्ट रोड, वो सब क्या है डॉन्ट रोड है, सब लोग क्या है वो सताए हुए हैं, क्या किस्मत के मारे हुए हैं। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा रोड पे सताए हुए लोगों को प्लीज डोंट बीट, मारो मत, बीट मत करो उनको। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हुआ इसका? अफ्लिक्टेड एंड अब्यूज्ड, उसे गंदा मत बोलो। एंटोनिम्स रिच एंड हैप्पी। वर्ड नंबर 4 है आपका स्पेड वर्क, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। देखिए, ये सभी वर्ड आपके एसएससी एग्जाम में कम से कम 10 से 12 बार पूछे गए हैं, मतलब ये एक सिंगल वर्ड, 4 नंबर वर्ड, 5 नंबर वर्ड, वर्ड नंबर 1, 2, 3, हम जो भी देख रहे हैं इन सबकी जो प्रायोरिटी है आपके एसएससी एग्जाम में 10+ की है। 10+ मतलब एक एक वर्ड को, ये आप अगर ये देख रहे हैं स्पेड वर्क, ये वर्ड एसएससी एग्जाम में केवल 10 से 12 बार पूछा गया है, 10+ की इसकी एवरेज है एग्जाम में आने की। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है? हर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेरा कहने का मतलब ये था। अब हम बात करते हैं, देखिए इसके कीवर्ड की, इसका जो कीवर्ड है स्पीड वर्क। ठीक है, स्पीड पे वर्क करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड से काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। स्पीड से बना है स्पीड और वर्क से बना है वर्क, और इसका सिनोनिम्स होगा हार्ड वर्क, एंटोनिम्स होगा इसका पास्ट टाइम। ठीक है, और वर्ड नंबर 5 है आपका इम्पेल। इम्पेल का अर्थ होता है प्रेरित करना, और की वर्ड है इन्होंने पल। एग्जाम्पल, इन्होंने पल में मुझे प्रेरित कर दिया। इम्पेल का मतलब होता है पल, इम्प से मतलब इन्होंने, पल का मतलब पल, इन्होंने पल में मुझे क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया। सिनोनिम्स इसका होगा प्रमोट एंड इंसाइट, एंटोनिम्स हिंडर एंड काम। इसको हाइंडर भी बोल सकते हैं, हाइंडर, HIN, हाइंडर। और वर्ड नंबर 6 है आपका डायलीमा। डायलीमा का अर्थ होता है असमंजस में। क्या होता है? असमंजस में, दिल में, DIL, डिलीमा, दिल में, डिलीमा, दिल में, ऐसे वर्डों को बोलिए। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं दिल में। दिल में मेरे असमंजस है कि मैं एग्जाम देने जाऊं या फिर ना जाऊं। ठीक है, दिल में मेरे असमंजस है, मैं ये चीज खाऊं या नहीं खाऊं, बाहर का खाना मेरे लिए लाभदायक होगा या फिर नहीं होगा। तो दिल में क्या होती है? हमेशा असमंजस ही रहती है, वो काम करूं या नहीं करूं। डेलीमा, डेलीमा मतलब असमंजस, दिल में मतलब असमंजस। देखिए कितने प्यारे प्यारे न्यूमेरिक वर्ड आपको मिल रहे हैं याद करने के लिए। आई थिंक आप इंजॉय तो कर रहे होंगे, अच्छी बात है इंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है, सिनोनिम्स इसका होगा आपका फिक्स एंड मैस, एंटोनिम्स सॉल्यूशंस एंड बेनिफिट। वर्ड नंबर 7 अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है उथल पतल, उथल पुथल, मतलब हर चीज क्या हो रही है, डिसऑर्डर हो रही है। इसका कीवर्ड होगा आप हवेली, यूपी मतलब आप हवेली, HEAVAL, हवेली। आपकी हवेली में क्या हो रही है? उथल पुथल मची हुई है। अपहीवल आपकी हवेली, अप हवेली, आप हवेली में क्या हो रही है? उथल पुथल मच रही है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? डिसऑर्डर एंड डिसरप्शंस, एंटोनिम्स काम एंड मिरेकल। वर्ड नंबर 8, थोड़ा सा इसको वर्ड नंबर 8 है लेमेंटेबल। बहुत प्यारा वर्ड है लेमेंटेबल। ठीक है, तो इसका जो कीवर्ड होगा वो होगा लेमन और टेबल। लेमन टेबल में रखा है, लेमन जो है वो टेबल में रखा है, जो क्या है? शोकजनक स्थिति का प्रतीक होता है। ठीक है, अगर टेबल में किसी ने केवल लेमन रख दिया, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? ये स्थिति क्या है?
काफी शोकजनक स्थिति होती है। तो इसको बोलते हैं अपसिटिंग, मिजरेबल, एंटोनिमस चीयरफुल एंड ग्लैड। इसका एंटोनिमस, इसका विपरीत अर्थ क्या होगा? चीयरफुल एंड ग्लैड। वर्ड नंबर 9 है वेयर विथल। वेयर विथल का मतलब होता है साधन या फिर उपाय। तो इसका की वर्ड है वेयर विथ, WHERE, वेयर विथ, WITH, विथ। विथ का मतलब होता है साथ, ठीक है। साथ में हम कहाँ से साधन लाएंगे? जैसे कि आपके टीचर ने बोला कि तुम दोनों फ्रेंड एक काम करो, फटाफट जाओ वो सामान लेके आओ, तो आप क्या बोल रहे हो कि हम साथ में कहाँ से साधन लाएंगे, कहाँ से ये सामान लाएंगे, कहाँ से ये उपाय लाएंगे, हमें नहीं पता गुरु जी, हमारी हेल्प करो। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? फंड्स एंड एबिलिटी, एंटोनिम्स डेप्थ। वर्ड नंबर 10 है क्रिस्ट। क्रिस्ट का अर्थ होता है शिखर, और इसका कीवर्ड होगा कर रेस्ट, कर रेस्ट। एग्जाम्पल, करके रेस्ट हम फिर से शिखर पर चढ़ेंगे। क्रेस्ट का मतलब होता है कर रेस्ट। देखिए शिखर पर क्या होता है, शिखर पर चढ़ने वाले लोग ऐसे नहीं होते कंटिन्यू वो चढ़ाई करते रहते हैं, वो क्या करते हैं कर रेस्ट, वो क्या करते हैं शिखर पर पहुंचने के लिए रेस्ट करते रहते हैं, थोड़ा चढ़े फिर रेस्ट करा फिर आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करिए शिखर पर चढ़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कर रेस्ट। आप काफी सारे ग्रुप में क्या कर रहे हैं, शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग एक दूसरे को बोलेंगे कर रेस्ट, हम फिर शिखर पर चढ़ेंगे, कर रेस्ट यार थोड़ा आराम कर ले, शिखर पर चढ़ेंगे थोड़ा आराम कर ले, ठीक है ना। करेस्ट का मतलब होता है शिखर, अगर शिखर पर चढ़ना है तो आपको रेस्ट करना होगा। सिनोनिम्स का होगा हाइट एंड पीक, एंटोनिम्स बॉटम एंड बेस। वर्ड नंबर 11 कॉन्सीव। कॉन्सीव का अर्थ होता है अनुमान लगाना, तो इसको मतलब गैस करना, और कीवर्ड है इसका कॉन्सीव। कॉन्सीव क्या है इसका कीवर्ड? कौन शिव जैसा अनुमान लगा सकता है, कौन शिव जैसा अनुमान लगा सकता है? तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड, एंटोनिम्स नेगलेक्ट एंड अवॉइड। वर्ड नंबर 12 ऑब्ट्रूड। ऑब्ट्रूड का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कीवर्ड है इसका अब तो रोड। ऑब्ट्रूड अब तो रोड, अब तो रोड क्या होगा, अब तो रोड पर खड़े होकर वह क्या है हस्तक्षेप करता है, मतलब क्या करता है हर बात में अपनी बात मतलब हमको परेशान करता है, हस्तक्षेप करता है, हमें टॉर्चर करता है अब तो रोड पर खड़े होकर। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा इम्पोज एंड इंटरफेयर, एंटोनिम्स फ्री एंड ओपन। वर्ड नंबर 13 कैंडोर। कैंडोर का अर्थ होता है निष्कपटता, कीवर्ड है इसका कैडर, कैंडोर से बना है कैडर, और इसका एग्जाम्पल होगा हमारे कैडर में अभी भी क्या है निष्कपटता है, निष्कपटता अभी भी क्या है हमारे कैडर में है। तो इसका अर्थ होता है निष्कपटता का मतलब जिसके अंदर कोई कपट ना हो, किसी के अंदर कोई छल ना हो, वो इंसान क्या होगा काफी ऑनेस्ट होगा, काफी प्योर होगा, काफी ट्रू होगा, काफी लॉयल होगा। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस, एंटोनिम्स कनिंग एंड बिलीव। वर्ड नंबर 14 डिस्क्रिशंस का मतलब होता है विवेक, डिस्क्रिशंस का मतलब होता है विवेक। एग्जाम्पल डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिशंस, डिस्क्रिएशन, डिस्क्रिशंस मतलब डिस्क्रिशंस, ये इसकी क्या है कीवर्ड है। एग्जाम्पल डिस्क्रिएशन करने के लिए बहुत विवेक चाहिए, मतलब डिस्क्रिएशन मतलब कि यह क्रिएट करने के लिए, यह क्रिएशन करने के लिए क्या चाहिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए। अगर आपको 3D इमेज में आनी है कभी, तो 3D इमेज अगर आपको ड्रॉ करनी है प्लेन शीट पर, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए विवेक, बुद्धि। तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका कॉशंस एंड जजमेंट, एंटोनिम्स केयरलेसनेस एंड इग्नोरेंस। बात करते हैं वर्ड नंबर 15 की स्क्वीज। स्क्वीज इसका अर्थ क्या होता है, स्क्वीज का अर्थ होता है विवश करना या विवश होना या दबा कर किसी को निकाल देना। तो इसका कीवर्ड है स्क्वीज, स्क्वीज से बना है स्क्वीज, ये हमारा क्या है ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। आप याद रखिएगा ये जो है कीवर्ड है, इसको वर्ड को याद करने का। अब देखते हैं इस क्विज में उसने विवश होकर क्या करा, भाग लिया। वो नहीं चाहता था कि वो इस क्विज में भाग ले, लेकिन फिर भी क्या करा इस क्विज में, इस क्विज में जैसे कि आपका मन नहीं है, ठीक है, किसी क्विज में पार्टिसिपेट करने का, आपको बताया गया ये क्विज मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे अपना एग्जाम देना है, ठीक है, अब ये क्विज कल हो रही है और मेरा परसों एग्जाम है, यार क्विज में जाऊँ या फिर ना जाऊँ। देखिए हमारे पेरेंट्स ने बोला अरे चले जाए यार, चले जाए क्या दिक्कत है, सब लोग जा रहे हैं, पड़ोसी के बच्चे भी जा रहे हैं, तू भी चले जा चल। तो अब क्या होगा स्क्वीज, स्क्वीज मतलब आपने विवश होकर क्या करा उस गेम में, उस क्विज में क्या करा पार्टिसिपेट करा।
स्क्वीज का मतलब क्या होता है, विवश हो करके आपने क्या करा उसमें पार्टिसिपेट करा। सिरोमिस क्या होगा इसका, प्रेशर एंड क्यूशिंग एंटोनिमस पावरलेसनेस एंड वीकनेस। वर्ड नंबर 16 डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट का अर्थ होता है बिगाड़ना, डिस्टॉर्ट का बना है डिस्ट्रॉय, डिस्टॉर्ट बना है डिस्ट्रॉय से, ठीक है आप याद रखिएगा। और कीवर्ड है देश स्टार्ट, देश को स्टार्ट से ही नेताओं ने बिगाड़ने का काम किया है। दिस स्टार्ट, दिस से बना है देश स्टार्ट, देश जब से स्टार्ट हुआ तब से क्या करा नेताओं ने इस देश को बिल्कुल बिगाड़ने का ही काम करा है। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, डिफॉर्म एंड फॉल्सिफाई, एंटोनिमस इंप्रूव एंड बिल्ड। वर्ड नंबर 17 फ्रिंजी, फ्रिंजी का मतलब होता है झालर, और कीवर्ड है फ्री मे रिंग, एग्जाम्पल फ्री मे रिंग उसने झालर में लगा के दी है। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बॉर्डर एंड ड्रीमिंग, एंटोनिमस सेंटर एंड इनसाइड। वर्ड नंबर 18 है, वर्ड नंबर 18 है रीओरिएंट, रीओरिएंट का मतलब होता है अपनी स्थिति में बदलना, मतलब अंडू बनना, ठीक है। जैसे हम करते हैं, टाइप करते हैं कोई वर्ड हमको पुरानी स्थिति में चाहिए होता है तो क्या होता है उसको हम लोग कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए, ठीक है। तो ये उसी से संबंधित है, चलिए इसको याद करने की कीवर्ड चाबी क्या है देखते हैं। री मतलब दोबारा और रैंट, ठीक है ना, री और रैंट, री ओ आर और रेंट, आर ई एन टी रेंट। तो इसका दोबारा उसने और रेंट देकर अपनी स्थिति को बदल दिया है, मतलब कि दोबारा से उसने क्या करा रेंट दे दिया किसी जगह का, जैसे आप रह रहे थे तो उसने क्या करा मकान वाले ने बोला कि भैया एक काम करो कि अगर आप रेंट नहीं देते हो तो आप ये मकान खाली करो, आपकी स्थिति क्या हो गई कुछ अलग हो गई, ठीक है। पर आपने क्या करा दोबारा से उसको क्या करा रेंट दे दिया, दोबारा आपने उसको सही समय पर क्या करा उसको रेंट दे दिया और अपनी स्थिति जो पहले वाली थी उसको क्या कर दिया अपनी स्थिति को बदल दिया। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ओवरहॉल, रीऑर्गेनाइज, एंटोनिमस डैमेज एंड ब्रेक। वर्ड नंबर 19 गेज, गेज का मतलब होता है मापक, गज एक मापक है, ये याद रखिएगा, गज एक इकाई की मात्रा होती है, एक मापक होती है, एक यंत्र होता है, तो उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग गज, गज का एक मापक है। यूज होगा इसका ए, चलिए इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मेजर एंड स्टैंडर्ड, एंटोनिमस एक्सट्रीम एंड एस्टिमेट। वर्ड नंबर 20 वेस्ट्यूर, वेस्ट्यूर का अर्थ होता है पोशाक, कीवर्ड है इसका वश्चोर, वेस्ट्यूर वश्चोर, वेस्ट्यूर वश्चोर। और इसका एग्जाम्पल होगा वश में चोरों को करने के लिए उसने बहुत अच्छी पोशाक पहनी है, मतलब चोरों को जो चोरी कर रहे थे एक पोशाक बनाई जिससे क्या हो गया चोरों को आसानी से पकड़ सकता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा इसका, कॉस्ट्यूम एंड गार्ब। वर्ड नंबर 21 रिजर्वायर, रिजर्वायर का अर्थ होता है जलाशय, कीवर्ड है इसका रिजर्वायर, रिजर्वायर। उसने तार लगवाकर जलाशय को क्या करा रिजर्व कर दिया, ठीक है, हर तरफ क्या करा उसने तार लगा दिए और क्या करा पानी को बिल्कुल क्या कर लिया रिजर्व कर लिया, मतलब क्या बना लिया जलाशय बना लिया। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बेसिन एंड टैंक, एंटोनिमस लेक एंड जिल्च। वर्ड नंबर 22, वर्ड नंबर 22 स्टम्बल, स्टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना, इस टाइम बल, इस टाइम बल स्टम्बल, इस टाइम बल, इस टाइम बल कम पड़ गया तो क्या हो गया वो इंसान क्या हो गया लड़खड़ा गया। अगर इंसान सुबह का निकला हुआ ऑफिस रात को 11 बजे तक क्या करे काम करे तो वो क्या हो जाएगा स्टम्बल हो जाएगा, स्टम्बल मतलब जब घर में आएगा थका हारा आएगा उससे क्या होगा चला नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास क्या होगा एनर्जी बॉडी के अंदर बहुत कम होगी। स्टम्बल मतलब इस टाइम बल, 11 बजे क्या होती है जो हमारी बॉडी का जो बल होता है वो खत्म हो जाता है, बॉडी में एनर्जी होती है, थके आ रहे ऑफिस से काम करके तो बंदा 11 बजे आए और सुबह 6 बजे निकले तो क्या होगा उसका हाल वो होगा स्टम्बल मतलब लड़खड़ाएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्लिप एंड स्टैगर, एंटोनिमस कंटिन्यू एंड फिक्स। वर्ड नंबर 23 हार्डी, हार्डी का मतलब होता है साहसी, ठीक है, जिसका दिल क्या होगा काफी हार्ड होगा वो इंसान क्या होगा साहसी होगा, ठीक है, दिल को पक्का करो और साहसी बनो। सैनिक वगैरह अगर दिल से काम ले और तो क्या वो युद्ध कर पाएंगे, अगर वो लोग बॉर्डर पे गए और उनको याद है अपनी फैमिली के बारे में चुन्नू मुन्नू सो रहे होंगे देरी जाने के बाद उनका क्या हुआ ऐसा सोएंगे ऐसा वो सोचेंगे तो क्या वो साहसी बन पाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर वो काफी दृढ़ होंगे काफी हार्ड होंगे विल पावर काफी स्ट्रांग होगी तो क्या बनेंगे वो लोग साहसी बनेंगे। और उसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्ट्रांग एंड टफ, एंटोनिमस सिक एंड सॉफ्ट। याद रखिएगा एंटोनिमस क्या होगा इसका, सिक एंड सॉफ्ट। वर्ड नंबर 24
स्टॉन्चली, स्टॉन्चली का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक, तो इसका कीवर्ड होगा स्टेन चली। एग्जाम्पल, स्टेन गन चली है हमेशा क्या है, निष्ठापूर्वक, पूरी ईमानदारी से। ठीक है, निष्ठापूर्वक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसने क्या करा, स्टॉन्चली स्टेन गन, कहते हैं स्टेन गन जो कंटिन्यू फायरिंग करती है उसको बोलते हैं स्टेन गन लॉग, स्टेन गन चलाई उसने क्या, हमेशा निष्ठापूर्वक। और उसका जो सिनोनिमस होगा वो होगा स्ट्रिक्टली एंड परसिस्टेंटली एंटोनिमस फ्लेक्सिबली एंड विकिल्ज। और ये वर्ड है आपके रिवाइज वर्ड, ये वर्ड क्या है, रिवाइज वर्ड। जो वर्ड हमने अभी इस वीडियो में देखे ये सभी वर्ड आपके सामने मौजूद हैं। इस वीडियो को अभी पॉज करिए और आप देखेंगे आपको कितने वर्ड याद रहे और कौन कौन से वर्ड आपने स्किप करे, अगर कोई भी वर्ड आपने स्किप करा है इसमें से, तो इस वीडियो को दोबारा एक बार वॉच करिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ अगेन एक बार देखिए और पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हर एक वर्ड, ये आपका पहला वर्ड जो था हमारा जो हमने अभी सीखा, डिप्रेशन या डाउन ट्रोडन, इम्पिल, अपहीवल, वे अर्बिथल, कॉन्सीव, कैंडोर, ये सभी एक एक वर्ड कम से कम 10-10 बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में। ये एक वर्ड 10 से 12 बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं इसलिए इस पर फोकस इतना कर रहा हूँ और इस बुक को चाहता हूँ कि टाइम पे ये खत्म हो जाए। उसके लिए मुझे चाहिए होगा आपका सहयोग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक करिएगा और अपनी कोई भी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। जब भी आपके कमेंट्स आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैक्सिमम मैं सभी बच्चों को तुरंत रिप्लाई करना पसंद करता हूँ और रिप्लाई करता भी हूँ। ऐसा नहीं, कभी कभी हो सकता है कि एक आध दिन लेट हो जाए, लेकिन मैं मैक्सिमम रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और आपका कोई भी फ्रेंड अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्लीज़ कष्ट करिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, एक क्लिक करके शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर आप किसी की आज हेल्प करेंगे तो वो आपकी परसों हेल्प कर सकता है या कुछ दिन बाद, मतलब कि हेल्प का सिलसिला ऐसे नहीं कि उसने हमारी हेल्प करनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा करिए, ठीक है, हमको अपनी तरफ से सबसे बेस्ट करना है अपने फ्यूचर के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, और औरों की भी अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है तो करते चले जाओ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है और काफ़ी अच्छा नेचर होता है, ये नेचर भी आपको डेवलप करना है। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राजेश्वरी पब्लिकेशन की प्लेलिस्ट को प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।